हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलोट्रॉपी ऑफ आयरन के बारे में। जब कोई मटेरियल टेम्परेचर के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है, साथ ही साथ उसके फेज भी चेंज होते हैं, तो उसे हम एलोट्रॉपी बोलेंगे। तो हम आज आयरन के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट टेम्परेचर पे उसके फेसेस क्या होती है, साथ ही साथ उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती है जाती है, तो उस सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक आयरन है, ठीक है, जो यहाँ पे होगा। जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे पर टाइम डिक्रीज करेंगे, यानी कि शॉर्ट टाइम में उसका टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तब वो अल्फा बीसीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अल्फा बीसीसी में। सो अल्फा बीसीसी में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके पास होगी, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे आकर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा पर टाइम डिक्रीज होगा। तो हम टाइम डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यानी कि हम इस वाले पॉइंट पे आ गए। अब हम जब शॉर्ट टाइम में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अल्फा बीसीसी वो कन्वर्ट होके अल्फा बीसीसी यानी कि उस वाले फेज में ही रहेगा पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक थी तो यहाँ पे आकर नॉन मैग्नेटिक हो जाएगी। तो यहाँ तक वो नॉन मैग्नेटिक अल्फा बीसीसी में रहेगा। फिर से हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ टाइम बिताएंगे यानी कि टाइम स्पेंड करेंगे, टाइम घटाएंगे, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे शॉर्ट टाइम में तो अल्फा बीसीसी अपना फेस चेंज कर गामा एफसीसी में आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है। तो यह हम टेम्परेचर इंक्रीज करके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर से हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, टाइम को डिक्रीज करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब फिर से हम शॉर्ट टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम गामा एफसीसी में से आयन कन्वर्ट होके डेल्टा बीसीसी में आ जाएगा, ठीक है, उसका फेस चेंज हो जाएगा। अब फिर से जब हम टाइम डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर वही का वही रहेगा, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी प्रॉपर्टी और उसके फेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे सिर्फ फेज लिक्विड ही रहेगा और प्रॉपर्टी जो थी वही रहेगी। सो हम कह सकते हैं कि 1535 सेंटीग्रेड के आगे और उसके ऊपर का टेम्परेचर उसका प्रॉपर्टीज़ में या उसके फेज में कोई चेंज नहीं लाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।